जमुनापुरा क्षेत्र की लक्ष्मी नगर स्थित राम दुलारी मार्केट में अज्ञात चोरों ने बीती रात दुकानों को अपना निशाना बना डाला और दुकानों में रखे लाखों रुपए के सामान को चोर चोरी कर ले गए। दुकानदार संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम लगभग 8 बजे दुकान को बंद करके गए थे, लेकिन सुबह आए तो पता चला कि दुकान में चोरी हो गई है। अज्ञात चोरों ने मार्केट में 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया, जिनसे लगभग 8 लाख रुपए का सामान चोर चोरी कर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मौका मुआयना कर घटना की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि रामदुलारी मार्केट में सुरक्षा के दृष्टिगत से किसी प्रकार भी कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, इसलिए चोर अपना काम आसानी से करके फरार हो गए। क्या नाम है? संजय कुमार। संजय जी, क्या घटना हुई है और क्या मामला है? रात को यार कहीं सभी दुकानें 8-9 बजे कहीं बढ़ गई, उसके बाद में जब सुबह जब आए थे तो देखा कि 4 दुकानों का ताला टूटा पड़ा है। रात को 4 दुकानों में से एक चोरी हुई है, एक में से 2 लैपटॉप, कई 2-2.5 लाख रुपए की दुकान में से हुई है, किसी में 1.5 लाख की हुई है, किसी में 2 लाख की हुई है। लगभग लगभग कितनी पूरी चोरी हुई है? कोई 7-8 लाख की। 7 लाख की ज़्यादा दुकानों में हो गई है। तो ये जो घटना हुई है कहाँ की घटना है, किस क्षेत्र की घटना है? ये लक्ष्मी नगर की घटना है, रामदुलारी मार्केट। पुलिस को सूचना दी है इसमें? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस अपना कार्रवाई करके चली गई है। क्या मानते हैं आप, ये जो चोरी हुई है किन कारणों से समझ रहे हैं आप, कैसे चोरी? यहाँ पर जो माहौल है नशे का माहौल है, नशे वाले जो जो चोरी है तो ताड़ी करती हैं, पुलिस अपना अनदेखी करती है। तो यहाँ मार्केट में कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं? कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है मार्केट में।